ये लाइफ लाइन है मेरा और आयुष्मान का, बिना हमारा पर्क। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड ट्रैली, फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। मैं सुमित, आपका होस्ट, आपको स्वागत करता हूँ एक नए मस्ती में, नए एक्सपीरियंस और नए दिन के साथ। आज हम जाने वाले हैं एक जंगल की तरफ, जो नॉट एग्जैक्टली एक जंगल है, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है। यहाँ से हमारे घर से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर जाएंगे। आज दिन का खाना पीना होगा, मजाक मस्ती होगा और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से श्रीकांत जी के साथ जाने वाले हैं। ये लोकेशन उन्होंने ही सजेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि ये पक्का एक अनएक्सप्लोर जगह ही होगा, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं जगह के बारे में और क्या खाना बनने वाला है, क्या मस्ती होने वाली। आप बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए, चलिए। और आज संडे है, क्योंकि हम सैटरडे को जा नहीं पाए, कुछ कैंपिंग आउटिंग हो नहीं पाया क्योंकि हमारा ऑफिस का कुछ काम था, तो इसलिए कल नहीं हो पाया। आज संडे है तो आज नाइट आउट नहीं होने वाला है, ये सिर्फ डे पिकनिक वाला होने वाला है कि आप जहाँ पर हम जाएंगे, जगह एक्सप्लोर करेंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और नज़ारे को भी एन्जॉय करेंगे, तो बने रहिए। अभी गाड़ी में सामान सेट हो चुका है, हम ऑल प्रिपेयर है। आज धूप ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, बादल भी हैं हल्की हल्की, तो अभी चलते हैं श्रीकांत जी से मिलते हैं और उनको भी हाय हेलो बोल देते हैं आज का उनका जो भी है, फिर उनका भी सामान पैक कर लेंगे, गाड़ी में सेट हो जाएगा, फिर हम दोनों निकल पड़ेंगे टुवर्ड्स दी लोकेशन। चलिए, नॉक किया जाए। हाय श्रीकांत जी, वेलकम वेलकम। हेलो 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 आयुष्मान, हेलो हेलो हेलो। हंस रहा है, ये पता नहीं क्यों हंस रहा है। एक महीने के बाद, एक डेढ़ महीना हो गया। हाँ, पेरेंट्स आए थे तो उसके बाद आप बिजी हो गए थे, तो इसीलिए अभी मिल नहीं पाए, बट अभी जो है तुम कैमरे के पीछे रहो और हम सामने बात करेंगे, पहले कैमरा टर्न करो। टर्न कर लिया। हाँ, अभी बोलो जो बोलना है। हाँ, वही हम बोल रहे थे, अभी इनसे मिले हैं और आगे का प्लान बनाएंगे, जो जंगल वाला प्लान था जो मैंने कहा था। कहाँ पर जा रहे हैं मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार जाएंगे, हमको भी नहीं पता रहता, जब तक लोकेशन में नहीं पहुंचेंगे कुछ गारंटी नहीं रहता। तो मंगल वाला कुछ वैसा ही है, मंगल वाला देखिए आप कैसा बनता है आगे का। मंगल को नहीं जा रहे, हम अर्थ में ही है, अर्थ का एक्सप्लोरेशन खत्म नहीं हुआ है, बाद में मंगल का करेंगे। तो अभी चलिए आगे का प्लान बनाएंगे। पर जो ये जो रूट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, हम आके बोमसंद्रा जो जंक्शन है वहाँ से राइट लेके टुवर्ड्स हम जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ हम जा रहे हैं। ज़्यादा डिस्टेंस इसी रूट पे रहेगा, उसके बाद वो बनारघट्टा वाला वो जंगल आएगा जहाँ पर हम जाएंगे, अपना अभी खाना पीने का प्लान है। और इस जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया का एक खासियत ये है कि ये यहाँ पर एक हमारे कंपनी है जहाँ पहले मैं काम करता था, तो वो उसकी भी याद आ गई, तो हम बात कर रहे थे, रश्मिदार में बात कर रहे थे कि ये कंपनी में हम कितने साल रहे, बहुत अच्छा सा एक मेमोरी भी था। तो उसी को कंपनी को अभी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बस मौसम सुहाना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मौसम को लेकर थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी हल्की बारिश और हल्की बादल पसंद है, तो ऐसा अगर मिल जाएगा तो मतलब सोने पे सुहागा जैसा वाला हो जाएगा। और 11 किलोमीटर बाकी है जिस लोकेशन पे हम जाने वाले हैं वहाँ तक, और अभी देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा एकदम चेंज हो चुका है, हल्की हल्की सी बादल आनी शुरू हो गई है और धूप जानी शुरू हो गई है, और दोनों तरफ इनफैक्ट इन राइट साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा हरियाली हरियाली ज़्यादा दिख रही है। पता नहीं क्योंकि मैं इस तरफ पहली बार आ रहा हूँ, पहले इस रूट में मैंने एक्सप्लोरेशन किया नहीं था, तो यहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, तो आई एम श्योर कि जिस लोकेशन में हम पहुँचेंगे वहाँ पर भी अच्छा वाला एक डेंस जंगल टाइप का फील आने वाला है। तो होपफुली इसी के साथ बने रहिए और देखते हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देखा नहीं, जाना नहीं, तो देखते हैं आगे मतलब वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का फील कैसा लगता है।
आप देख ही रहे हैं मेरे दोनों तरफ एकदम पहाड़ों जैसा माहौल है और हरियाली हरियाली बहुत ही अल्टीमेट सा लग रहा है। यहाँ पे धूप है बट इट दैट्स फाइन, क्योंकि धूप होने के बावजूद भी आप नज़ारा देखोगे ना लगेगा कि हम बैंगलोर से कुछ 200-300 किलोमीटर दूर आके खड़े हैं, वैसा नहीं है। इट्स जस्ट 28 किलोमीटर फ्रॉम आर प्लेस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आ रहे हो बस 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। और अभी हम जाएंगे एक खोपचे वाले जगह में, वहाँ पर हम गाड़ी का अपना सेटअप बनाएंगे, फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। नज़ारा बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, फाइनली हम अपने कैंप साइट में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे एकदम बढ़िया सा नज़ारा है, दोनों तरफ है ग्रीनरी और हमारा गाड़ी का सेटअप आप देखिए। जो गाड़ी का सेटअप आपने पहले भी देखा होगा वैसा ही वाला सेटअप हमने कर दिया है। और एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर जो एक छोटा सा एक घर जैसा बना है, हट जैसा, वहाँ पे हमने अपना टेंट चेयर भी लगा दिया है। तो क्या है कि अगर धूप ज़्यादा लगेगी, अगर बाहर अनकन्वीनियंस है, तो वहाँ अंदर जाकर हम बैठ के खाना भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा है। मेरे पीछे आप चारों तरफ देखिए, बड़े बड़े पहाड़ और ग्रीनरी, खेत खलियान एकदम मस्त है। तो मैं सिर्फ होप ही कर रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी हल्की सी बादल भी अगर हो जाए ना, तो मतलब सोने पे सुहागा, जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो आज जो है हमारा जो खाने का सेटअप भी बन गया है, अभी चूल्हा वूल्हा सब टेबल में हमने सेट कर दिया है, बस जाके उसमें अभी चढ़ाना है और खाना बनाना स्टार्ट करना है। आज खाने में जो स्पेशल है, मतलब स्पेशल हाँ बोल ही सकते, संडे है तो हम नॉनवेज बनाएंगे। तो उसमें नॉनवेज में आप ना आज ना थोड़ा चिकन पुलाव या चिकन बिरयानी जो भी आप बोल सकते हो वैसा कुछ बनने वाला है, उसके साथ क्रैब करी। तो श्रीकांत ने बोला कि आज क्रैब बनाएंगे, तो बोला हाँ ठीक है, मैरिनेट करके अगर आप लेके आए तो जल्दी बन ही जाएगा। तो गाड़ी का सेटअप ये है और अभी चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों गाड़ी को जॉइंट करके ऊपर टर्पलिन डाल के टेबल सेट हो करके और ये गाड़ी का सेटअप दोनों का बन गया है। और ये देखिए, ये रहा हमारा पर्क, मतलब पहले से ये सेटअप था, तो हमने सिर्फ दो चेयर लगा दिया और नीचे चेयर और ऊपर एकदम बढ़िया सा सेटअप। मैं तो ये देख के एकदम फैंसी, मतलब क्या बोले, बहुत चक्का हो गया। तो मुझे अभी यही लग रहा है कि यहाँ पर खाना बनाने के बाद बैठेंगे, शाम तक भी बैठेंगे तो बढ़िया मज़ा आएगा। तो शाम का जो सनसेट वाला व्यू है वो भी नोटिस हम यहीं से कर लेंगे, ज़्यादा धूप भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी चलिए सीधा किचन में टूट पड़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर खाने में क्या है। और ये देखिए, ये बड़ा वाला प्रेशर कुकर आएगा, इसमें बिरयानी पुलाव, चिकन पुलाव या चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं, कौन करिया जाए, अंबर स्टाइल चिकन, ओ अंबर स्टाइल बिरयानी, अंबर दम बिरयानी, चिकन बिरयानी को इजी से इजीली बनाना ना, ऐसा कुछ नाम दे दो हो जाएगा। करेक्ट, ये मानी स्टाइल चिकन बिरयानी, हाँ ये थोड़ा बेटर लग रहा है, मानी स्टाइल चिकन दम बिरयानी जो भी बोल दो, हैदराबादी अंबर, नहीं नहीं ये अंबर वाला, ओके इंडिया वाला वो बेटर रहेगा, सब आ जाएगा उसके अंदर। अभी जो है एक न्यूज़ है, बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है,
और जैसा मैंने कहा था, हम बादल को साथ ही लेके आते हैं, बादल आ गई, अभी देखो फुर हो ही रहा है। मैंने सोचा कि बहुत धूप हो रही है तो चलो बारिश को बादल को लेके चलते, अब खाना बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा ना अभी। सारे कंपोनेंट, हाँ सारा कुछ चाहिए, धूप भी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। करेक्ट, एक दिन में सारे। और यहाँ पर चिकन जो बिरयानी का जो मेन पार्ट है वो ऑलमोस्ट पक चुका है, और यहाँ पर हमारे शू शेफ वो क्रैब की तैयारी कर रहे हैं, प्याज को भून रहे हैं। करेक्ट आयुष्मान, करेक्ट। और ये रायता वाला, इसको बाद में काटेंगे, आ लिखा पौर भुजिया बारिश आने के बाद। बारिश आने के बाद, उसके बाद तो रायता फिर लेगा। ये है कि मैंने जैसे पहले से बोला था कि बादल आने की चांसेस है, तो बादल आ चुकी है, लेकिन बारिश जोर से नहीं हो रही है। कुकिंग ऑलमोस्ट बन चुका है, क्योंकि अभी चिकन बन चुका था, उसमें राइस डाल के हमने पैक कर लिया है। अभी क्रैब बनाने की बारी है। क्रैब का मसाला एकदम चल रहा है। आयुष्मान बहुत आज एक्टिव और हेल्प कर रहा है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए बादल एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर से बादल आके छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहा है। बरसेगा भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बरसेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धूप हल्की हल्की है, मतलब उतनी तेज नहीं है। और मेरे पीछे एम्बियंस देखिए एकदम बढ़िया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जो क्रैब का मसाला रेडी हुआ था उसमें क्रैब जा चुका है, सिर्फ पेट में जाना बाकी है। पेट में जाना बाकी है, मेरे पेट में थोड़ा कम जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा तकलीफ होती है, बाकी सब में पेट में जाएगा। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करेंगे करेंगे करेंगे। इट्स ओके, खा रहा हूँ ना। इसमें जो एफर्ट लगता है ना, चैलेंजेस, हाँ, कुड़ू कड़ा धुड़ू धड़ा, वो महीने सही है, सही है, कुड़ू कड़ा धड़ा धड़ा, वो सही है। बिना उसके क्रैब खाने का मजा राइट नहीं है। और ये बिरयानी हो गया ना, कंप्लीट हो गया राइट? हाँ, ओके, हाँ ये एक सेट है। बस ये होने के बाद अब बैठ जाएंगे सलाद को साइड में लेके, और आयुष्मान गाजर और चिप्स अपना एंजॉय कर रहा है भरपूर। रश्मि तो बैठ कर आराम से अपना कच 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 काट रही है सलाद। खड़े होने बहुत रायता फैला के नहीं फैला, वो बताओ पहले। ऑलमोस्ट फैलने वाला है। जब फैल जाएगा ना तब बुलाना, मैं समेटने आ जाऊंगा। तो दोस्तों जैसा आपने देखा बिरयानी बन चुका है और क्रैब का मसाला भी पक चुका है, उसमें क्रैब जा चुका है। तो श्रीकांत जी और उनके फैमिली जो है वो पहले से प्रिपरेशन करके लाए थे। जैसे एक्सपेक्टेड है कि जैसे हम भी बताते थे कि अगर आप कैंपिंग जाते हो, कैसे किसी लोकेशन पे जाते हो या ट्रैवल करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपना जो खाना बनाने का जो है ना, आप कुछ होमवर्क करके लेके आ जाओ, पहले प्रिपरेशन करके लेके आ जाओ, तो आपका खाना ना एकदम इजी बन जाता है। आप पास्ता बना रहे हो, पास्ता बॉयल करके लेके आ जाओ तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। जैसे चिकन बना रहे हैं तो चिकन को थोड़ा मैरिनेट करके लेके आ जाओ। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और एक्सपेक्टेड कि बादल हमें फिर से धोखा दे चुका है। बादल आई थी, थोड़ी सी हल्की सी ड्रिजल हुई, फिर चली गई। तो वैसे ये कुछ कर नहीं सकते अभी, क्या कि वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन जो भी है बहुत मज़ा आ रहा है। और वापस चलते हैं हमारे किचन की तरफ, चलिए। हर आउटिंग में लेकिन ये लेस जो है बहुत हेल्प करता है, नहीं रश्मिता? ये लाइफलाइन है मेरा और आयुष्मान का, हाँ, बिना उसका ये लाइफलाइन है मेरा और आयुष्मान का, बिना इसका इंजन नहीं चलेगा। करेक्ट, पार्टनर चाहिए तो आयुष्मान जब होता है तो इंजन ये है, इसमें ऑयल ये लेस डालता है, लेकिन करेक्ट।
मतलब ब्लड टिश्यू वो सब नहीं चाहिए, इसको सिर्फ लेस चाहिए, वीकेंड में लेस चाहिए, नहीं वीकेंड में चाहिए, वीकेंड में चाहिए, नॉर्मल डेज में नहीं चाहिए। क्यों आयुष्मान, चिप्स के बिना चल जाएगा लेस? चिप्स के बिना कैंपिंग नहीं होगा ना? नहीं, यू नीड चिप्स और यू डोंट नीड चिप्स इन कैंपिंग? बोथ, बोथ। नहीं देने से चलेगा ना? विदाउट दिस ऑल्सो इज ओके। इसका भविष्य दिख रहा है, राजनीति में जाएगा। बहुत बड़ा राजनेता बनेगा। आ गए अपने केकड़े पे, वो टका टक टका टक टका टक 500 बाप रे 500 बहुत एक्सपेंसिव। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था चिलिका लेक में, चिलिका ढाबा में 1600 रुपए का एक प्लेट केकड़े का, ये तो 500 कम बोला। एक्चुअली ये केकड़ा इस व्यू के साथ 500 में बनता है। करेक्ट, ये बनता है, ऐसा नहीं कि घर में है कोई आके खा लिया। यहाँ पर पहाड़ के साइड में, नहीं नहीं पहाड़ के साइड में ऐसा केकड़ा थोड़ी मिलेगा, तब तो हाँ जाने पड़ेगा। हाँ, इसी के अंदर 500 प्लस 18% टैक्स जीएसटी। हाँ दोस्तों, आपने देखा कि क्रैब और बिरयानी तो हो चुका है, क्रैब भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर टकर टकर करके वो उबल रहा था। तो जब तक वो आलू एकदम पक नहीं जाता और क्रैब एकदम पक नहीं जाता, हम तो खा नहीं सकते। तो तब तक हम यहाँ पर नज़ारा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे गाय और भेड़ बकरे यहाँ पर चरने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये लोकल लोग जो हैं ना, तो ये चराने के लिए आते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। सकते हैं कितने भेड़ बकरियां गाय यहां पर चरने के लिए आते हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक जंगल एरिया है, वहां पर सामने फेंस लगा है क्योंकि वो क्रोकोडाइल सामने ना आ जाए, वहां पर एक लेक भी है। लेकिन यहां पर देखिए, गांव वाले यहां पर कितने सेफली रहते भी हैं और अपना डेली जो भी है उनका काम वो करते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बात करके, इनका डे टू डे लाइफ मतलब समझ के, क्योंकि क्या है कि हम जो सिटी में रहते हैं कि हमको तो क्या है कि मंडे टू फ्राइडे काम करो, फिर सैटरडे संडे घूमने आ जाओ और खाना बना जो भी है हम करके हम अपना गुजारा कर लेते। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका ये सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है, उनका मंडे टू संडे, फिर संडे से फिर नेक्स्ट संडे, इनका जो भी है, इनका जो डे टू डे लाइफ है, तो इनके लिए ये एक रोज़गार है। तो ये अपना गाय और बकरियां चराते हैं, फिर उसका जो भी दूध निकलता है, चीज़ निकलता है, जो बटर बनता है, जो भी है उसके से उनका अपना पेट पालते हैं। तो इसीलिए इनके साथ ये बात करके मैंने भी इनसे सब बात किया। ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश में तो बात नहीं कर सकते, मैंने इनसे लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा, थोड़ा तेलुगु मैंने यूज़ किया क्योंकि कन्नड़ा में उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन तेलुगु मैंने यूज़ किया। तो मुझे इनके साथ बात करने का मौका मिला और मुझे पता चला कि इनके साथ मतलब आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हो और ये आप जो चराते हो उनके से कितना दूध निकलता है मुझे पता चला। तो मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, इनका लाइफ जो है ना बहुत अच्छा है। चलते अपने गाड़ी के सेटअप में और वहाँ पे देखते हैं कि जो क्रैब करी है वो कितना बना है और कैसा है बना है, क्योंकि लास्ट मैंने जब चेक किया था वो एक्चुअली पूरा एक आलू पका नहीं था। श्रीकांत जी ने चेक किया था एक्चुअली, वो वहाँ पर वो आलू पूरा पका नहीं था। तो अभी जाके चेक करते हैं कि आलू पक गया है कि नहीं और क्रैब करी की तरह बना है कि नहीं है। चलिए, तो वापस हम अपने क्रैब करी की तरफ आ चुके हैं। ये टकाटक टकाटक अभी भी हो रहा है, चिकन पुलाव और क्रैब करी विद रायता इस लोकेशन में, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसा लगता है। और फिर आपको मिलते हैं डायरेक्ट लंच टेबल पे। अभी चलते हैं खाना लेके अपने जो है कुटिया में, वहाँ पे हम अपना सेटअप बनाएंगे और वहाँ पर खाएंगे। तो यहाँ पर कुकिंग हुआ,
लेकिन खाना होगा यहाँ पे जो हमें एज ए पर्क मिला था। चलिए यहाँ पर देखिए प्लेट सज चुका है। यहाँ पर आलू क्रैब यम्मी दिख रहा है। हाँ तो मैंने पहले ही बोल चुका था यहाँ पर लाल लाल एकदम दिख रहा है। बारिश जैसे मैंने बोला था ऑन ऑफ ही हो रही है बारिश से, मतलब बादल आ रहे हैं जा रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है। अभी फाइनली बरस रही है हमारे पीछे आप देख सकते हैं एकदम बारिश हो ही रही है। और सारे खाना वाना बनाने के बाद सब कुछ रेडी होने के बाद बारिश हुआ। वो एकदम सही है, खाना बनने के बाद एकदम बारिश हुई है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, वर्षा करके हुई होगी शायद, जैसे उन्होंने कहा कि एकदम खाना बनाने के बाद ही बारिश हुई है। हाँ मिट्टी की खुशबू बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं, हमारा क्रैब करी और चिकन बिरयानी इंडिया वाला। अभी बताएंगे श्रीकांत जी कैसा बना है। हम जो अंबूर बिरयानी ऑर्डर करते हैं ना उससे बेहतर है सच में, इतना फ्लेवरफुल। हाँ तो चिकन बिरयानी उसका क्या कहना, क्रैब इज अ हिट, मस्त क्रैब इज अ हिट। बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं, मस्त बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं थोड़ा सा क्रैब का ग्रेवी। हाँ बिरयानी के साथ। और रायता मिस करो, नो डिस्टरबेंस। ओह नो डिस्टरबेंस, ओके। सिर्फ क्रैब करी और बिरयानी के साथ अच्छा लग रहा है। चलो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। और ये बना बिरयानी वाला निवाला रायता के साथ, इसको मिक्स करते हैं। वॉट नहीं मिल रहे नहीं सेंटेंस भूल गया, अल्फाबेट्स भूल गया। अब ये सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। फिर से आ चुकी है तो मैंने ये सामने के पहाड़ के सामने चेयर डाल के मैंने सोचा कि इसको निहारूं, क्योंकि बादल ऐसे गुजर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ये देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। ये व्यू है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पहाड़, इसको सामने मैं थोड़ा बैठूंगा, उसके बाद हम कॉफ़ी बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद पहाड़ का व्यू, सामने वो जो बादल जा रहे थे उसका व्यू, यहाँ पर रश्मिता और आयुष्मान बैडमिंटन खेल रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पीछे फिर से बादल आ गए हैं जो कि निहायत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बैडमिंटन खेला जाए, उसके बाद फिर से कॉफ़ी बनाएंगे। सॉरी ये तो पहली बार कॉफ़ी बन रहा है, सुबह पिया था मैंने, अभी कॉफ़ी बना नहीं है, यहाँ पर पहली बार बनेगा। बैडमिंटन के बाद कॉफ़ी बनाएंगे। चलिए हाँ जी दोस्तों, अभी हो गई है शाम के 5:30 और अभी हमारा कॉफ़ी का सेटअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से चेकआउट करते हैं। चलिए thank you.
रहा आज का संडे का प्लान, कैंपिंग और केकड़ा करी सॉरी क्रैब करी, चिकन कबाब सॉरी चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, जो भी आप बोल सकते हो, इंडिया वाला बिरयानी बहुत ही अच्छा रहा। विथ फ्री हमारा जो कुटिया वहाँ पर मिला वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखे कि एम्बियंस एकदम बढ़िया सा लगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि यहाँ पर बादल हल्की हल्की मिलेगी, और विथ भेड़ और यहाँ पर जो गाय और भेड़ बकरी सब मिल गए तो ये सब भी होता है कि एक कैंपिंग का जो होता है ना आर्टिफैक्ट्स जो भी है आपको मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो एक अच्छा वाला कैंपिंग एक्सपीरियंस रहा। एम्बियंस के साथ फ्रेंड्स भी वो मैंडेटरी होता है तो और अच्छा लगता है। तो ग्रुप में जब आओगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली एक लेवल एनहांसमेंट हो ही जाता है, सही माइंडसेट का मतलब बातचीत करना बहुत सारा बोलते हैं ना वो माहौल ऐसा बन जाता है पूरा मतलब पिकनिक वाला माहौल, ओ कैंपिंग वाला माहौल, कैंपिंग वाला माहौल। ये एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर। टिल देन आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए एक्सपीरियंस और नए दिन में। टिल देन बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय।